अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज जी मैंने छोटी सी कोशिश की है कि मैं कैसे कैसे रमज़ान में प्रिपरेशन करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं अपना सीक्रेट मसाला बना रही हूँ, जो कि हर रमज़ान में जो भी आप चीज़ें बनाएं, जैसे रगड़ा हो गया, दही वड़ा हो गया, जिस पे आपको ऐसा लगता है मसाला डालना, जो चाट होती है, चाट का सीक्रेट मसाला है ये, बहुत मज़े का बनता है। मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की कि छोटा छोटा करके आप लोगों के साथ मैं एक व्लॉग के जैसा शेयर करूं। उम्मीद करती हूं आप लोगों को अच्छा लगे। यहां पर मैं 100 ग्राम जो है वो अक्खी धनिया ले रही हूं। मैंने यहाँ मेजरमेंट के हिसाब से लिया है। मेजर करके कोई भी चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से बनती है। अगर आपके पास मेरे पास मशीन है तो मैं मशीन से कर रही हूँ, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक कटोरे का मेजरमेंट रखिए और उससे करिए। यहाँ पर 100 ग्राम अक्खी धनिया रहेगी और 100 ग्राम ज़ीरा रहेगा। और मैंने ये वाली लाल मिर्ची ली है अक्खी, जो कि तीखी रहती है, तो मैं ये सिर्फ 20 ग्राम लूँगी। अगर आप ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा तीखा ज़्यादा आप लोगों को पसंद है तो आप 25 ले लो, 30 ले लो, ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि ये बहुत तीखी रहती है, इसके लिए मैंने सिर्फ 20 ली। और यहाँ जब मैं मेजर कर रही थी तो एक एक मिर्ची एक एक ग्राम की थी, मैं बोली चलो ठीक है, अंदाज़ा मिल गया कि 20 मिर्ची गई 20 ग्राम में। ये तीखी वाली है, अगर आप कश्मीरी यूज़ कर रहे हैं या बेडगी यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए क्वांटिटी। यहाँ मैंने ये 20 ग्राम लिया है। हिसाब आप बराबर रखिएगा। अब यहाँ पर मैं स्लो फ्लेम पे धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को भून लूँगी। एकदम स्लो रखना है फ्लेम। अगर आप स्लो नहीं रख रहे, फास्ट पे करेंगे तो सारे जल जाएंगे और फिर वो जो जले जले मसाले के टेस्ट रहते हैं हमारी चाट को भी ख़राब करेंगे और हमारे मसाला भी ख़राब हो जाएगा। इससे अच्छा थोड़ा सब्र रखें, धीरे धीरे जो है वो प्रोसेस अच्छा होगा। माशाल्लाह रमज़ान का महीना जल्द आने वाला है, आप लोग सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान में आप लोग खूब इबादत करिए, खूब दुआओं में याद करिए और मेरी रेसिपीज़ बना के मेरे साथ शेयर करिए। यहाँ पर मैं जब तक मिर्चियों की डंडी तोड़ रही थी, व्लॉग है तो आप लोगों को बिहाइंड द सीन देखने मिल जाएगा कि क्या क्या प्रोसेस रहता है कोई एक चीज़ को शूट करने में। फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नर्वस थी मैं, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, पर अल्हम्दुलिल्लाह सब स्मूथली हुआ है। बस उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद। यहाँ पर देखिए भून के हो चुका है मसाला, अच्छे से रोस्ट हो गया है हमारा। यहाँ मैंने इसको ठंडा करने के लिए बड़े बर्तन में रखा है। अब मैं ज़ीरा को भी भूनूंगी। ज़ीरा जो है आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा भूनना है, क्योंकि वो जो भुने हुए ज़ीरे का टेस्ट होता है वो अव्वल दर्जे पर होता है। मतलब आप ऐसे भी अगर वो मसाला कोई भी चीज़ में, अगर सब्ज़ियों में भी डाल दोगे वो मसाला, तो बहुत टेस्ट करता है। और ज़ीरा तो वैसे भी टेस्टी होता ही है, मुझे पर्सनली ज़ीरा बहुत ज़्यादा पसंद है। इसे भी बहुत अच्छे से भूनना है। और आप लोग भूनते टाइम, जैसे अब ऐसा लग रहा है कि हाँ भूनना बंद करना है, तो एक दाना उठाइए और अपने हाथ से दबा के देखिए। अगर दबाने के बाद वो टूट जा रहा है, इसका मतलब वो भून के रेडी है। यहाँ पर मैंने फिर वही धनिया के इसमें ही भुने हुए ज़ीरे को भी डाल दिया। यहाँ देखिए कितना गर्म है, इसे पूरी तरीके से हम लोगों को ठंडा करना है। अब जो है मैं मिर्चें भून लूँगी। इन दोनों को मैंने साथ में रखा है, क्योंकि ये दोनों का मैं साथ में जो है अलग अलग एक मसाला बनाऊंगी। आप लोग देखते रहिए आगे तो समझ में आएगा। इसके लिए मैंने इन दोनों को, ज़ीरा और धनिया को, मिक्स कर लिया है भूनने के बाद। अब मैं यहाँ पर लाल मिर्ची भूनूंगी और साथ साथ मैं इमली की चटनी की भी तैयारी कर रही थी। आगे इमली की चटनी भी आप लोगों को मिलेगी देखने के लिए, तो वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। यहाँ पर मैंने लाल मिर्ची को भी भून लिया। लाल मिर्ची को ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो वो जल जाएगी और फिर
कड़वा कड़वा टेस्ट देने लगेगी। मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए रखा था, 10 भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 6 मिनट 8 मिनट के लिए बस, क्योंकि यहाँ पे इसको पूरी तरीके से ठंडा करना है। यहाँ पे मैंने इमली, मैंने बोला कि मैं इमली की चटनी भी बना रही थी, ऐसी काली वाली इमली मैंने कुछ 250 ग्राम ली थी, और गुड़ जितनी इमली उतना गुड़, गुड़ जो था वो गाँव वाला था कोई भी, क्योंकि वहाँ पे ही अच्छा गुड़ मिलता है, यहाँ तो खैर मिलावटों शिलावटों वाला मिलता है, वो तो छोड़िए। गाँव से जो भी आते आने लगे तो उसको बोले भाई कुछ मत लाना पर गुड़ ज़रूर लेके आना, मैं तो यही करती हूँ। और यहाँ पे मैंने गुड़ और इमली दोनों को जो है वो कुछ 4-5 घंटे भिगा के रखा था, तब जाके हम लोगों को ऐसा पानी मिलेगा। और अब मैं हाथ के साथ कर रही हूँ, क्योंकि जो हाथ का टेस्ट है वो किसी में नहीं होता। चम्मच चम्मच सब छोड़िए, दफ़ा करिए, और हाथों में हाथों के जादू से अच्छे से करिए। यहाँ पर मैं स्ट्रेनर रख रही हूँ, छन्नी, और इसमें सारा मैं, देखे नीचे पानी निकल रहा है तो इससे हमारी चटनी बनेगी, और जो ऊपर का है वो मैं अच्छे से निचोड़ लूँगी पूरा, कि रस पूरा निकल जाए, और फिर जो बचेगा सारा जो गूदा बोलेंगे, इमली का गुड़ तो वैसे भी मेल्ट हो चुका है, उसको अच्छे से देखिए दबा के मैंने सारा रस निकाल लिया है, इसे मैं अलग करती जाऊंगी। पूरी पूरा जितना भी मैंने भिगाया था सब मैं निकाल लूँगी, क्योंकि ऐसा करने से ना ही हमारी इमली वेस्ट होगी ना कुछ। और जो कोई कोई सबके तरीके अलग होते हैं, ये मेरा तरीका है, और यकीन मानो इतनी अच्छी चटनी बनी थी कि मैं बस बनाने में मैं चाटने लगी थी, मतलब हाथ साफ करके, ऐसा ना हो आप लोग सोचे कि भाई चाट के फिर वही हाथ डालना, नहीं। यहाँ जी हम लोग को अच्छे से पूरा इमली का रस निकालना है, यहाँ मैंने पूरा रस निकाला, और फिर यहाँ देखिए जो भी गूदा बचा था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला, अब उसे भी मैं मसल मसल के, क्योंकि अभी भी इमली में अर्क बचा है तो हम लोग को वो निकालना है। यहाँ पर मैं अच्छे से निकालूंगी, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं जाए भाई, बहुत खून पसीना कमा के जब इंसान कमाता है तभी तो उसको कदर होती है। यहाँ पर देखिए अभी तो पतली है खैर, लेकिन ऐसी कंसिस्टेंसी रहेगी, और आपको छानना ज़रूरी है, क्योंकि इमली और गुड़ ऐसी चीज़ है जिसमें हल्का कंकर रहेगा या कुछ कचरा रहता है। यहाँ साथ साथ मैं समोसों की भी तैयारी कर रही थी, यहाँ पर मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, यहाँ मैं समोसे में आलू तो नहीं डाल रही हूँ, आलू मैं कोई और चीज़ के लिए बना रही थी। यहाँ इमली रखी हुई है, यहाँ देखिए पूरी तरीके से मेरा जो मसाला है वो ठंडा हो चुका है, और यहाँ पर इमली है, यहाँ मैंने इमली की चटनी को पकने के लिए रख दिया है। इमली की चटनी पकाते टाइम आपको बस बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जब जोश आती है तो पूरी बह जाती है, तो हम लोग को स्टार्टिंग में तो थोड़ी हाई फ्लेम पे पकाओ, जैसे ही एक उबाल आने लगे वैसे ही लो फ्लेम कर देनी है हमको, और इसे खूब पकाना है। अब मैं वीडियो में तो नहीं दिखा पाई कि मैंने कितने घंटे पकाया, कितने देर नहीं, पर आप लोग को मैं बता रही हूँ कि कम से कम हम लोग को 1.5 घंटा इसे पकने देना है। 1.5 घंटा हम लोग जब तक नहीं देंगे इसे, तब तक ये अच्छी नहीं बनेंगी, जितनी ये पकेगी उतनी अच्छी बनेगी। अब यहाँ पर मैं जो है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, ये 15 मिनट के बाद मैंने डाला है, और सौंठ का पाउडर, जो ड्राई जिंजर पाउडर रहता है वो, सौंठ के पाउडर से इमली की चटनी का टेस्ट कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। जो आप बाहर की चटनियाँ खाते हैं और ऐसा लगता है कि हाँ क्या डालते हैं उन लोग, तो यही सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। अब यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ, काला नमक, काला नमक भी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो हर कोई नहीं डालता है। अब इसे मैं खूब पकने के लिए दूंगी, और जो साइडों में लगते जाएगा उसे निकालना है, क्योंकि उसी से हमारी इमली की चटनी जो है वो गाढ़ी होगी, थिक होगी। खूब पकने देना है, अब जो है हल्की हल्की एक एक परत जैसे गाढ़ी होने लगेगी। यहाँ देखिए कुछ 10 मिनट बाद मैं अब इसमें कलर ऐड कर रही हूँ, रेड फूड कलर। कलर इज़ ऑप्शनल, टोटली ऑप्शनल, अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना तो कोई बात नहीं, क्योंकि कलर तो कोई टेस्ट देता नहीं, सिर्फ कलर देता है। मुझे थोड़ा कलर अच्छा लगता है, इस वजह से मैंने डाल दिया। अब इसे फिर मैंने कितना 1 घंटा पकाया था पूरी चटनी को, तब जाके मेरी उतनी गाढ़ी हुई थी। अगर आपको इतना नहीं पकाना तो कोई बात नहीं,
गाड़ी देखिए यहाँ पे जोश आ रहा था, इस तरीके से जोश आता है और पूरी तरीके से फैल जाता है। रायता ना फैले इसके लिए वहीं खड़े रहिएगा, नहीं तो पूरी मेहनत जो है वो जाय हो जानी है। देखिए मैं साइडे जो है वो क्रेप स्क्रेप कर रही हूँ क्योंकि साइडों से इमली की चटनी गाढ़ी होती है। यहाँ पर मैं समोसे की रेसिपी बता रही थी आप लोगों को, सब चॉपिंग वॉपिंग करके रख रही थी। यहाँ अब मैं अपना सीक्रेट मसाला जो मैंने चाट का मसाला बताया था वो बनाने लगी हूँ, और साथ ही साथ चिप्स चिप्स भी तो चाहिए ना, पेट फूजा तभी तो काम दूजा। यहाँ हम लोग को जो है जीरा और धनिया मैंने साथ में रखा था इसके लिए पीसना चालू कर देंगे और एकदम बारीक पाउडर करेंगे। यहाँ देखिए कितना बारीक पाउडर हुआ है। अब मैं मिर्ची पीस रही हूँ, मिर्ची हल्की सी दरदरी रहे। मैंने मिर्ची इसमें मिक्स नहीं किया क्योंकि मेरे बड़े भाई को मिर्ची वाला नहीं अच्छा लगता, इस वजह से मैंने मिर्ची नहीं। ये देखिए मैंने दो अलग कर दिया, एक जो छोटी प्लेट है उसमें जीरा और धनिया है जो कि मेरे भाई के लिए है, और यहाँ सबके लिए क्योंकि सब तीखा चटपट मत अच्छा लगता है। होते हैं कोई कोई जिसे तीखा नहीं अच्छा लगता या कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। और मैं हाफ टी स्पून काला नमक मिक्स कर रही हूँ, इससे मसाला जो है वो ब्लैंक नहीं रहता। यहाँ देखिए ये हम लोग 1 साल तक रख सकते हैं, इतना मसाला बन चुका है। यहाँ इमली की चटनी को पका के मुझे 1 घंटा पूरा हो गया है। ये मेरी इतनी गाढ़ी हुई है इमली की चटनी बिना कोई कॉर्नफ्लावर के, ये मैं लास्ट जोश दे रही थी उसको। जो हल्का ऑरेंज और रेड दिख रहा है ना, ये कलर की वजह से है। यहाँ देखिए मैंने इसको पूरे तरीके से ठंडा कर दिया है, ठंडा होने के बाद इतनी गाढ़ी हुई है, कोई कॉर्नफ्लावर कोई कुछ चीज़ मैंने ऐड नहीं की है तब जाके इतनी गाढ़ी है। और अगर आप इसको फ्रिज में रेफ्रिजरेट करेंगे तो और। यहाँ जी इमली की चटनी मेरी रेडी है, थोड़ा सा फ़ोटो शोटो कर लिया मैंने, और यहाँ मैंने इसको स्टोर करके रखा, और 1 साल तक आँख बंद करके आप रख सकते हैं। यहाँ मैं समोसा बना रही थी और आप लोगों के साथ मैंने वीडियो भी शेयर कर रही थी, व्लॉग भी बना रही थी। यहाँ जी चाय शाय बन रही है, सब एक साथ हो रहा था और मैंने एक ही दिन में सब बनाया। यहाँ मैं समोसे की पत्तियाँ सब कुछ बनाने बैठी थी। ये सब का व्लॉग आपको दिख व्लॉग नहीं रेसिपी इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूँगी। यहाँ मैंने समोसे बना लिए, अब मैं फ्रीज़ कर रही हूँ। मैंने कंटेनर में किया है, आप लोग ज़िपलॉक बैग में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मैंने जैसा बताया है टिशू से अलग करना है। टिशू नहीं तो आप फॉइल पेपर रखिए, अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है, बटर पेपर भी नहीं है, तो आप लोग अपनी बुक का पेपर भी रख सकते हैं, लेकिन ब्लैंक पेपर लिखा हुआ नहीं रहना चाहिए, बस इसे अलग रखिए। और इस तरीके से आप इसको 6 महीने तक फ्रीज़ करके रख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे दुआ में खूब याद कीजिए, और ज़रूर सब रेसिपीज़ ट्राई कीजिए और मेरे साथ शेयर कीजिए। आप सबको एडवांस में रमज़ान बहुत मुबारक हो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।